कांग्रेस महंगाई के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। देहरादून में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश पीटीआई प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम केवल जनता को भ्रमित करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थाएं अपना काम निस्वार्थ भाव से कर रही हैं। यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो इसमें डरने वाली फिर क्या बात है। देश की जनता को मालूम है कि कांग्रेस अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए और ईडी ने जो उनके वरिष्ठ नेताओं को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो नोटिस और उनको जो समन दिए हैं, जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसको लेकर के बौखलाहट में है। और ये पूरी देश की जनता को मालूम है कि कांग्रेस ने अपने 60 साल के राज में क्या क्या काले कारनामे किए हैं।